नशा मुक्ति के लिए देवास पुलिस ने चलाया अभियान। समाज के लोगों में प्रतिदिन बढ़ रही नशे की आदत के खिलाफ देवास पुलिस ने एक अभियान शुरू किया, जिसके अंतर्गत पुलिस की टीम ऐसे स्थानों पर जाकर लोगों को समझाइश दे रही है जहां पर नशा करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके अंतर्गत कोतवाली पुलिस द्वारा मोती बंगला झुग्गी बस्ती में एक टीम द्वारा लोगों को नशे की बुराइयों से बचने एवं नशे की बुरी आदतों से बचने की समझाइश दी गई। कोतवाली TI महेंद्र परमार ने अपनी टीम के साथ लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताया एवं लोगों को नशा नहीं करने के बारे में भी समझाया। TI परमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर सोलंकी के मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि समाज में फैल रही नशे की बुराई से मुक्ति मिल सके। संवाददाता दीपिका गोस्वामी की रिपोर्ट। सर बताएं, आज यहाँ शिवाजी नगर झुग्गी जत्थे में आप किस उद्देश्य के लेकर आए हैं यहाँ पर? आज अभी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ऑपरेशन वज्र चलाया गया है और पुलिस मुख्यालय से भी हमारे यहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं प्रतिहार। और मैं तहत नशा मुक्ति का भी एक हमारा तरफ से एक वो चल रहा है, इस संबंध में हम आज यहाँ मोती बंगला जो है कॉलोनी है इसके पास में जो यहाँ झुग्गी बस्ती में काफ़ी लोग रहते हैं और उनको आज हम लोगों द्वारा एक नशे के संबंध में, नशा मुक्ति के संबंध में हमने एक चीज़ यहाँ पर एक छोटी सी नुक्कड़ सभा की है और इस संबंध में उनको समझाइश भी दी गई है। इनको बताया गया कि नशे से क्या क्या दुष्प्रभाव है, नशे के क्या होने से क्या क्या हानियाँ हैं, क्या क्या उनको नुकसान होते हैं, उस संबंध में भी अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया भी गया कि हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि जो जो नशा है जो करते हैं, धूम्रपान करते हैं, गुटखा खाते हैं और शराब पीते हैं, तो उससे थोड़ा सा जो है उसमें वो छोड़ेंगे भी और उन्होंने द्वारा जो है हमको आश्वासन भी दिया है। अच्छा, इसको पूर्व भी सर आप इस तरह का कैंप कहीं लगा चुके हैं क्या? हाँ, अभी हम लोग कई जगह लगाए हुए हैं। कल हमने बस स्टैंड में भी एक जगह जन चौपाल अभी हम लोग इस तरह से लगाते हैं, जन चौपाल भी हम लोग करते हैं। इसमें कई पुलिस से संबंधी जो भी उनकी विधिक सहायता है, कानूनी ज्ञान है, वो भी बताते हैं। स्कूलों में भी हम लोग जाके जो है बच्चियों को भी इस संबंध में जो उनके द्वारा उनके साथ कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं उनके संबंध में हम द्वारा लगातार जो है दी जा रही है। ये अभियान हमारा अभी लगातार पूरे महीने भी चल रहे हैं। अच्छा, कुछ सकारात्मक परिणाम इसके नज़र आए आप? नहीं, कई सकारात्मक परिणाम भी हैं इसमें और कई लोग आके बताते भी कि सर हम लोग आपने जिस तरह से समझाई दी थी उसका हमें लाभ भी मिल रहा है और कोशिश जारी है लगातार उस तरह का। इसको प्रतिकार भी देते हैं, कानूनी राय भी दे रहे हैं उनके बराबर, तो उससे प्रभावित करता है। जो बच्ची है उन्हें भी आके बताया, घरों में भी वो बात करते हैं और जो जिस तरह से हम लोग उनको लगातार समझाई देते हैं उसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। ओके, धन्यवाद। 50 रुपये रोज का है ना? 50 रुपये अगर आप बचत करते हैं अभी तो आप लगाइए महीने में कितनी हो जाती है बचत? 1500 रुपये जमा करते तो कितना हो जाता साल में? सर इतना तो पढ़ाई लिखे नहीं है, 60 1500 रुपये महीने से 100,000 हो जाते हैं। फिर 1000 आप अपनी उसमें लगा देते बच्ची की पढ़ाई में, उसके उसमें लगा देते तो कितना फायदा? बच्चे भी छोटे हैं अभी, छोटे हैं अभी तो भी तो उसमें अच्छा चलो उसमें स्कूल होता। आप उसको अगर FD कर देते 18,000 की, 40-40 की FD पड़ी उनकी है, 40-40 के भाई ने बोला कि मेरे पास 40,000 की बहुत FD है, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है यार, 40,000 रुपए मेरे पास नहीं आज पर मेरे भैया के पास है तो एक अच्छी बात है। इन्होंने हमें एक अच्छी बात बताई कि 40,000 रुपए की FD है, तो क्या सिर्फ हम ये चाहें कि हमारी 40,000 की FD है, वो FD बढ़ना चाहिए कि नहीं? तो वो जो सर बता रहे थे कि हमारे 2-2 रुपए 4-4 रुपए अगर बचते हैं तो हम उससे एक और FD बना सकते हैं, बना सकते हैं मेरे भाइयों, भाई जो 40-40 है वो प्लस एक और FD बढ़ गई तो हमारा कुछ फायदा होगा कि नहीं उसके अंदर? तो इसके लिए हमें नशा छोड़ना चाहिए कि नहीं? और नशा सिर्फ इसलिए नहीं छुड़वा रहा है कि हमें फायदा है या किसे फायदा है, नशे से आप लोगों को ज्यादा फायदा है दोस्तों। आप लोगों को इसलिए फायदा है क्योंकि बहुत से लोग गुटखा पाउच खाते हैं, वो अगर पूरे मुंह में अगर अपनी उंगली डालेंगे तो शायद